उत्तर भारत में जिथे बारिश नाल लोगों को गर्मी तो राहत मिली है उत्थे ही कुदरती आफतों के नाल लोगों का भारी नुकसान भी हो रहा है। नाभा ब्लाक के पिंड लुबाणा विखे बीती रात उदों हफड़ा दफड़ी का माहौल पैदा हो गया जदों पिंड में बारिश के नाल आसमानी बिजली गिरन के नाल पिंड में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। यह आसमानी बिजली का कहर बीती रात करीब 12:30 बजे वापरिया जदों सारे पिंड वासी सोते पए सन कि अचानक बिजली गिर गई और देखते देखते दर्जना घरों के इनवर्टर कूलर फ्रिज बल्ब पखे सड़के सुआह हो गए। गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं होया। जिन्हां परिवारों का नुकसान है बिल्कुल गरीब परिवार हैं और इन परिवारों के वलों हुण सरकार तों गुहार लगाई गई है कि सरकार साडी माली मदद करे। इस मौके पिंड वासी राजीव सिंह गुरबख्श सिंह ते मेजर सिंह ने कहा कि यह जो उधर से आसमानी बिजली गिरी है असी घर विच सुते पए सी तां अचानक घर अंदर धुआं ही धुआं हो गया अते जदों देखिया तां सब कुछ सड़ के सुआह हो गया सी। जिन्हां दा यह नुकसान होया है यह परिवार सारे ही गरीब परिवार ने। असी तां सरकार तों मंग करदे आं कि सरकार साडी माली मदद करे। उन्हें कहा कि एक तां पहलां ही कोरोना महामारी दे चलदे कामकार बिल्कुल ठप हन अते दूजे पासे कुदरती करोपी ने लखां रुपए का नुकसान कर दिता। यही चाहते जी कि रात 12:30 बजे आसमानी बिजली गिरी हैगी। ये साढ़े बड़े वीर ताया जी के मुंडे मेजर सिंह जी ने जेडे उन्होंने घर से उन्होंने सारी फिटिंग सारी समान सड़के सुबाह हो गया। तो साढ़े नज़दीक जिन्हें भी 35-40 इनवेटर जी पखे तो फ्रिजा होर खासियां फिटिंगा तो अपने मोटर के स्टार्टर पाने वाली मोटर सारिया सड़के सुबाह हो गई ने जी। ये सारे ही जिन्हें दे फूके ने गरीब बंदे ने जी। गरीब बंदियां दे सरकार नूं कुछ चाहिदा भी मदद करे पर है ये आसमानी बिजली कारण कुदरत वल्लों करोपी है जी। पर साडे सरकार नूं चाहिदा कि साडे कोई ना कोई मदद जरूर की जाए जी। नहीं बिजली गिरी आ इहदे नाल बहुत ही नुकसान होया इहनां दा ते सारे मतलब भी गली तों सब दा ही इनवर्टर इनवूटर सब दे सड़ चुके ने ते जिहड़े जिन्हां दे गिरी आ उहनां दा भी सब जिहड़ी सी अपना की कहिंदे हुंदे ने इनवर्टर वगैरह फ्रिज ते LCD भी ते जिहड़ी सारी इलैक्ट्रिशियन सीगी उह भी फुक चुकी आ ते जो बोर्ड बूर्ड सीगे उह भी कुछ भी नहीं बचिया उहनां दा मतलब सब ही हो चुक्या बहुत ही मतलब लखां दे विच नुकसान हो चुक्या। तो जिहड़ा उह सीगा मतलब मोटर वगैरह अपनी कुछ नहीं बचिया ते बाकी जिहड़ा पहला करोना करके मजदूरां दा पहली औखा सीगा ते हुण इहने ज़्यादा कम उह करता जी। जिहड़ी बिजली गिरी आ ते इहदे करके हुण जिहड़े उह करदे सी दिहाड़ियां जरूरियां बेचारे मसां कमाउंदे सीगे जी ते हुण उहनां दा थोड़ा ऐ सरकार नूं भी देखणा चाहीदा भी इहनां कन्नी थोड़ा ध्यान देणा भी इहनां नूं भी थोड़ी मदद करनी चाहीदी इहनां नूं सरकार नूं। सरकार लखां दावे करदी आ भी गरीबां दी हर तरह तों मदद कीती जाऊगी इहदे विच की चाहुंदे तुसीं? कोई दावे करके वादे करते नहीं जी कोई पूरा तो करे नहीं उन्होंने हूँ तक कोई सरकार ने कोई वादा पूरा कर नहीं हूँ तक किसी ने भी नहीं। गरीबों की बांह फड़नी चाहिए? हाँ जी हाँ हूँ फड़ने चाहिए जी। हम पहले तो करोना ने वो करता जी सारा बिठाए पैने घर जी तो हूँ बाकी आ बिजली गिरी है बेचारे का सारा ही नुकसान होया पाया कला जना कमाने वाला जी घर वो भी हूँ की कर जी हूँ अगले लवे 5,000 रुपया वही 9-10 हज़ार रुपया अगले की सैलरी होंगी है महीने की वो अगला राशन लिया के करे बाकी तेल होर मंगाई थानू पता ही है कितनी हो रही है। बहुत नुकसान होया जी 12:30 बजे बिजली जी गिरी है तो अंदर मैं कल्ले ही पिया थी। हाँ भी सारा समान मतलब पखे फ्रिजा पेंटरे बूटरे सब वो सुबह बन गई। दूजी बारी जानी बहुत चिकना ही हमारी आवाजी कम टीवी नाभा तो पत्रकार तरुण मेहता की रिपोर्ट।